हेलो एवरीवन, अगेन आई एंड जम भाती निर्बान वेलकम्स यू टू जॉइन द क्लास ऑफ जीके। सो टुडे वी विल बी कंटिन्यू दिस क्लास विद द लेसन 7, 8 एंड 9। सो आवर 7th चैप्टर इज मम्मीज अराउंड द वर्ल्ड। सो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मम्मीज के बारे में। आपने सुना होगा, मूवीज भी देखी होगी द मम्मी की। सो हियर लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर मेनी सिविलाइजेशन दैट मम्मीफाइड देयर डेड। Some bodies has also been found turned into a mummy due to natural condition. यानी इसमें बताया गया है कई बार क्या होता है, कुछ जुदा मम्मी हमें फाइंड आउट होती है वो कुछ नेचुरल कंडीशन की वजह से हो जाती है और कुछ को मॉडिफाइड किया जाता है। लेट अस रीड अबाउट देम इन इजिप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इजिप्ट में कैसे किया जाता है इसके बारे में। When we talk about mummies, we mostly think about Egyptian civilization. हमने usually ज्यादातर सुना है कि इजिप्ट में ही पाई जाती है। This is the step-by-step process of how mummification took place. Now, mummy बनाने के लिए बहुत सारे steps use की जाती है, as you can see in the picture. Okay, first step one is insert a hook through a hole near the nose and pull out a part of the brain. यानी hook डाला जाता है near the nose and pull out the part of the brain. और brain का एक part निकाल लिया जाता है. Okay, तो ये देखिए step one and step two. Make a cut on the left side of the body near the tummy. Tummy के left side में body में cut लगाया जाता है. After that. ओके, ये सारी बातें किसके बारे में बात की जाती है? मरने के बाद जो बॉडी होती है उसके साथ ये किया जाता है। रिमूवल और इंटरनल ऑर्गन्स, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। लेट द इंटरनल ऑर्गन्स ड्राई, फिर उनको ड्राई होने देते हैं। प्लेस द लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर इनसाइड कैनोपिक जार। Place the heart back inside the body. Rinse inside of the body with the wine and spices. Cover the corpse with the natron salt. Corpse यहाँ पर किसके लिए किया जाता है? Body को salt से cover किया जाता है with 70 days for 70 days से 70 दिनों के लिए. After 40 days, stuff the body with the linen or sand to give it the more human shape. और फिर उस body को क्या किया जाता है? 40 days के बाद में linen या फिर sand को वापस उसमें wrap किया जाता है एक शेप देने के लिए। After the 70 days, wrap the body from the head to toe in bandage. और फिर 70 days के बाद जो बॉडी होती है, बच्चा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको बैंडेज से रैप कर दिया जाता है हेड टू टो, ऊपर से लेकर नीचे तक। प्लेस द सेकोफेगस चैम्बर विद द लॉट सॉरी प्लेस इन सेकोफेगस अ टाइप ऑफ बॉक्स लाइक कॉफिन। यानी इसको बाद में सेकोफेगस, यानी एक सेकोफेगस होता है जो कि कॉफिन होता है, एक बिल्कुल बड़ा सारा बॉक्स होता है, उसमें प्लेस कर दिया जाता है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जहाँ कॉफिन जैसा एक प्लेस होता है, लाइक उसमें बॉक्स होता है, उसमें उनको पैक कर दिया जाता है। If the person had been a pharaoh, pharaoh means ancient Egypt ruler, जो ruler होता है, जो बड़ा होता है, he would be placed inside his special burial, यानी जो जहाँ उसको buried किया जाता है, उसको एक special जगह पे किया जाता है, chamber में, with lot of treasure और उसके साथ बहुत valuable things, treasures रखे जाते हैं। Okay, ये किसके बारे में बात हो रही है? Ruler के बारे में बात हो रही है। In Chile, Chile is a place of South America. The first mummy to be wrapped up comes from the Chinchorro culture of South America. सबसे पहले जो मम्मी रैप की गई थी वो कहाँ से की, कौन से कल्चर से अडॉप्ट की गई थी? Chinchorro culture से, जो कि South America में popular है। In the area of southern Peru, Peru and northern Chile, the oldest of these mummies was a person who died in 550 BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के बोर्न से पहले। ओवर 7000 ईयर अगो, यानी 7000 साल पहले की बात, बिफोर क्राइस्ट के भी। दीस चिनचोरोज मम्मी आर 2000 ईयर ओल्डर देन द मम्मीज इन एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट से भी 2000 ओल्ड ईयर मम्मीज हुआ करती थी इन चिली में, जो कि हम यूजुअली नहीं सुनते इनका नाम, क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है। द मोस्ट फेमस चिनचोरो सेमेट्री, सेमेट्री यानी प्लेस वेयर डाइड पीपल बरेड, डेड पीपल बरेड, ओके, इज इन चिली, वेयर यू कैन सी द ब्लैक मम्मीज। ब्लैक मम्मीज देखने को मिलती है, नेम फॉर द लेयर ऑफ ब्लैक मैगनीज एंड मेटल रिजर्व
डबलिंग आयरन दैट कोटेड देयर बॉडीज. उनके ऊपर क्यों होती है वो ब्लैक ममीज, क्योंकि मैग्नीज और आयरन की जो रिजेम्बलिंग मेटल्स होते हैं आयरन से, उसका जैसे एक मेटल होता है मैग्नीज जो रिजेम्बल किससे करता है आयरन से, वो कोट कर दिया जाता है बॉडी पर, इसलिए उनको ब्लैक जो कलर होता है उन्हें मिल जाता है. दैट्स व्हाई दे यूजुअली नोन एज ब्लैक ममीज. As you can see over here, to create a black mummy, chinchoro, mortician, morticians कौन होते हैं? People who prepared all these things, यानी mummies को जो ready करते हैं, that people are called morticians. Cut off the bodies head, arm and leg, scooped out. Scooped का मतलब होता है make hole. Hole करते हैं out the organs and flesh. Flesh होता है जो उनका मांस होता है, okay? And often emptied the brain through a hole in the skull. Emptied means empty. अब उनके brain को बिल्कुल empty कर देते हैं और skull skull रहता है. The skin was peeled away. Skin को peeled कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है from the body and reattached later. और थोड़ी देर बाद में, यानी कुछ दिनों बाद में उनको reattached किया जाता है, like taking off and putting on a sock. यानी जैसा कि हम sock उतारते हैं और पहनते हैं जुराब, हम जैसे पहनते उतारते हैं ना, उस तरीके से. Morticians completed the process by sowing hot कोल, यानी कोयला जो होता है गरम गरम, into the trunk cavity to dry the cadaver. Cavity means an empty space inside the something solid. उनकी बॉडी में कोई सॉलिड पार्ट है उसमें डाला जाता है and dry the cadaver. Cadaver कौन है? डेड बॉडी. डेड बॉडी को ड्राई करने के लिए सब प्रोसेस की जाती है. आफ्टर वर्ड्स मॉडिशियंस रिबिल्ड द बॉडी विद स्टिक्स एंड एनिमल हेयर. यानी अगेन देखो, स्टिक से, यहाँ पे स्टिक्स से और एनिमल के बालों से उनको वापस रिबिल्ड किया जाता है. एंड कवर्ड इट इन व्हाइट ऐश. ऐश क्या होता है? धुआं होता है, ओके, ग्रे और व्हाइटिश कलर का. एज ए फाइनल टच और फाइनल टच देने के लिए मॉर्टिशियन अटैच द क्रॉप ऑफ शॉर्ट ब्लैक हेयर टू द स्कैल्प. स्कैल्प होता है सर का हिस्सा जिसे हम खोपड़ी कहते हैं. एंड पेंटेड द कॉर्प्स ब्लैक विद मैग्नीज. और जो कॉर्प्स होती है यानी डेड बॉडीज होती है उनको मैग्नीज से पेंट किया जाता है, ओके. मैग्नीज आप समझते हो मटीरियल काइंड ऑफ आयरन, रिजेंबल लाइक आयरन, ओके. तो ये सब करके उनको मम्मी के रूप में बनाया जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक मम्मी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंट्री के बारे में, विच द नेम ऑफ कंट्री इज पापुआ न्यू गिनी, ओके. सम विलेजर्स इन पापुआ न्यू गिनी स्टिल ममीफाई देयर एंसेस्टर टुडे. यानी आज भी ये इस कंट्री में रीति रिवाज चलता आ रहा है कि वो अपने एंसेस्टर यानी पुराने पूर्वजों को मम्मी के रूप में बना करके रखते हैं. आफ्टर डेथ बॉडी डेड बॉडीज आर प्लेस्ड इन हट एंड स्मोक्ड इनटू अंटिल द स्किन एंड इंटरनल organs are desiccated. Desiccated मतलब dried out, यानी सारे जो bodies के part होते हैं वो dried out कर दिए जाते हैं. Then they are covered in red clay. Red clay में उनको covered किया जाता है. Clay होता है kind of sand की तरह होता है, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं. क्ले बच्चों के खेलने के लिए अगर आप समझो तो उससे क्या भी यूज होता है, तो वो रेड क्ले में उसको पैक करते हैं बॉडी को. विच हेल्प मेंटेन देयर स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, और सेम स्ट्रक्चर रखने में हेल्प करता है. एंड प्लेस इन अ जंगल श्राइन. श्राइन यानी उनका जो एक प्लेस होता है जंगल में, होली प्लेस, जहां उनको वो रखते हैं वहां उनको ले जाकर रख दिया जाता है. Bodies are brought down from the shrine for celebration. और जब भी celebration का time आता है bodies को लाया जाता है. And loved ones visit the mummies to consult with their ancestors. और जो भी उनके घर वाले लोग होते हैं, loved ones होते हैं, उनको visit करने जाते हैं और उनको visit करवाते हैं चारों तरफ as a celebration. Okay, और उनसे consult करते हैं, बातें करते हैं, अपनी जो feelings होती हैं उनके साथ share करते हैं. तो ये यहाँ का belief होता है, okay? So all about mummies around the world we have read. I hope this is clear to you all. Next chapter is about airlines and their logos. Now here is only airlines and their logos. You have to learn all the logos with their name. Okay? तो हम धीरे धीरे एक एक logo भी देखते हैं और name भी पढ़ते हैं. बस this chapter is all about the logos and of the airlines. Okay? First is Qatar. Qatar Airways. तो this is the logo of that Qatar Airways. Second is Lufthansa airline, okay? तो ये इसका टैग है. And third is Egypt Air. Fourth one is Japan airline. Fifth one is Sri Lankan airlines. And next one is sixth one is Emirates airline, Canada airline,
यू कैन सी एयर कैनेडा लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज कैनेडा एयरलाइंस, एंड नेक्स्ट इज हवाई एयरलाइंस, थाईलैंड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर इंडिया, तुर्किश एयरलाइंस. So here we have 12 airlines with their logos. So we need to learn all the logos. आपको logos learn करना है, इसमें करने का कोई work करने की कोई gap भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इनके logos learn करने हैं. लोगों के बेस पर मैं आपसे questions पूछूंगी, logo दे दिया and then पूछूंगी which airline is this, okay? So here next chapter is chapter number 9 is building and structures. Now we'll read about all the kind of buildings and structures around the world. Name the following structures and buildings. हमें जो clue दिया गया है उसके according हमें structures and buildings के name बताने हैं, okay? Bridge of sand and rock between India and Sri Lanka. That is Adams Bridge. A shell-like structure, एक structure है जो बिल्कुल shell की तरह बना हुआ है in Sydney, Australia, which is built along a river. और river के साथ बना हुआ है, और कहाँ पर है? Sydney, Australia में. तो that is called Sydney Opera House. The western wall of temple of Jerusalem, it is called Wailing Wall. The Wax Museum of London, that is Madame Tussauds. लंदन में एक वैक्स म्यूजियम बना हुआ है, वो है मैडम तुसाद का म्यूजियम. ओके, द स्ट्रक्चर बिल्ट इन एथेंस इनिशियली एज अ प्लेस ऑफ डिफेंस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दैट इज एक्रोपोलिस. द वॉल व्हिच डिवाइडेड अ यूरोपियन सिटी फॉर अबाउट 40 इयर्स, यूरोपियन सिटी में डिवाइडेड है ये वॉल, ये है बर्लिन वॉल. Okay, the biggest dam across the Nile River in Egypt, that is Aswan Dam. The headquarters of the International Court of Justice are located at The Hague. The famous huge statue of Jesus Christ on the small rocky island in Rio de Janeiro, that is Christ the Redeemer. Okay, एक statue बना हुआ है, वो कहाँ पर है? Small rocky island पर है, that is Christ the Redeemer. The tallest minaret in the world made of bricks, that is Qutub Minar. The ancient places and temples discovered in the heart of jungle in Cambodia, that is Angkor Wat. And last one is the most sacred, yani holy place for the Muslim in Mecca, Makkah Madina, aapne name suna hoga, that is Kaaba. Okay, so here we have completed this chapter. So today we read lesson number 7 about mummies, lesson number 8 about airlines and their logos, and last is lesson number 9, which is all about world's famous buildings and structures. I hope these 3 chapters are clear to you all. In our next class, we will be continue with the chapter number 10. Till then, take care of yourself. Bye-bye, everyone.